वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर के रोज़ मुल्क के बाशिंदों को उनकी सेहत के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन PMDHM नई स्कीम शुरू कर रही है। मरकजी वज़ीर सेहत मुंसिक मांडोया ने ट्वीट करके उसकी इतला दी है। उस स्कीम के तहत हर हिंदुस्तानी को एक यूनिक हेल्थ ID मिलेगा और जिससे फर्द के जिस्म और सेहत से मुतलिक हर मालूम डिजिटल तौर पर दस्तियाब होगी। अभी यह स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादानगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख में चल रही है। इससे पहले यह स्कीम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। उसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 15 अगस्त 2020 को शुरू किया था। सरकारी जराये के मुताबिक हेल्थ ID कार्ड में 14 हिंदूस के यूनिक ID मिले हैं और उस ID में उस शख्स का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड सेंट्रल सर्विस से मुंसलिक होगा। उसका मतलब यह है कि मुल्क में कहीं भी इलाज के लिए जाने पर कार्ड से डॉक्टर को मुतल्लिका शख्स की सेहत के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। उससे हर बार नया या दोबारा टेस्ट करवाने के लिए पैसे और वक्त की बचत होगी। PMHDM और मुतल्लिका अफराद की रजामंदी के बाद उनका डेटा इंस्क्रिप्शन के साथ सेंट्रल नेटवर्क पर स्टोर हो जाएगा। ये डेटा भी डॉक्टर इसकी इजाजत के बगैर नहीं देख सकता। उसके लिए पहले मोबाइल पर OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद डॉक्टर उसे देख सकेगा, लेकिन डॉक्टर से एडिट का या कॉपी नहीं कर सकता। इस स्कीम के आगाज के बाद कोई भी शख्स मिशन के वेबसाइट पर जाकर हेल्थ ID बना सकता है। उसके अलावा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों और कॉमन सर्विस सेंटर से भी कार्ड बनाए जा सकते हैं।